हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग मोरबी से माटेल जा रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए, और हम पहुँच चुके हैं माटेल में। क्योंकि बीच में मैं वीडियो नहीं बना सकी इसलिए, और अब हम अंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और ये सूट दिव्या कर रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सूट में, क्योंकि और ये वहाँ का त्रिशूल है और इसको हम वखड़ी का झाड़ बोलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि छोटा सा त्रिशूल था और अपने आप बड़ा हो रहा है। और ये अंदर मंदिर का सीन है, और ये जो है ये खुड़ियार माता की 7 बहनें हैं, और उसके बगल में जो मंदिर है ये वाला, ये खुड़ियार माता का है जो दिव्या उसको सूट नहीं कर पाया। और बस वहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि वहाँ बैठने को मन कर रहा था। फिर मैंने चारों तरफ ऐसे सूट किया। जानसी को बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी वो नकल करती है ऐसे व्लॉग बनाने की। तो एक खोड़िया टेम्पल है मोरबी से धुआ, और धुआ से माटेल का रास्ता बहुत। बस एम छवा दे શ્રીફળ વધે છે, મૂકી દે એમાં, મૂકી દે તો થઈ જાય, બસ હવે શ્રીફળ વધે દે, નહી ઉપર અહીં શું થયું, અહીંયા અહીંયા હોય એક ઓકે નાખ્યું હોય અગરબત્તી એટલે આ બાજુ આ બાજુ હોવે, અડધું કાચલું લઈ લે, બસ એ નાનું લઈ અને બીજી અમે મૂકી દે એટલે અવન થઈ જાય, પગે લાગી લે। और वहाँ टेम्पल के आगे एक मूर्ति है मगर की, और जानसी चारों तरफ उसको देख रही है कि इसको नथ कहाँ से पहनाई है, क्योंकि मगर को नथ पहनाई है तो वो देख रही है और मुझे पूछ भी रही है। और ये कुंड है वहाँ का जो हम तालाब भी बोल सकते हैं, और हम उसको धरा बोलते हैं माताजी का। तो इसमें से ही खोड़ियार माता का प्रागट्य हुआ था, और अभी मान्यता है कि इसमें मगर है रहता है, और जो सच्चे भक्त होते हैं उसको दर्शन भी देता है। ये वीडियो शूट दिव्या ने किया था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग ज़रूर एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो मोबाइल से शूट कर रही हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है ऑलरेडी। तो अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना, तो इसलिए मैं मोबाइल से ही सारा शूट कर रही हूँ, तो कभी कभी वो ऐसे अच्छे से व्यू नहीं होता है। माटेल से हम चोटीला के लिए निकल चुके थे और बहुत देर हो चुकी थी, दोपहर हो गई थी और गर्मी भी बहुत थी, बच्चे भी साथ में थे, तो सोचा कि वहाँ नीचे ही दर्शन कर लेंगे। तो हम फिर वहाँ गए, वहाँ चोटीला पहुँच चुके थे, और चोटीला पहुँचने के बाद सोचा कि शूट करूँगी पर मुझे मौका ही नहीं मिला, और दिव्या को शूट करना अच्छे से नहीं आता है क्योंकि उससे कैमरा बहुत हिल जाता है और अच्छे से व्यू भी नहीं आता है। तो वहाँ हम पहुँच चुके थे चोटीला, और मुझे थोड़ी बहुत वहाँ भी शॉपिंग करनी थी पर मुझे कई चीज़ें पसंद नहीं आई, और बच्चे भी परेशान हो गए थे, तो हमने नीचे ही दर्शन किए माताजी के, ऊपर नहीं चढ़े थे हम गब्बर पे, बहुत धूप थी, और नीचे दर्शन करके हम वहाँ से निकल चुके थे। और वहाँ मंदिर में तो शूट नहीं करने देते हैं, तो फिर हमने नहीं किया था, पर अच्छा लगता है मंदिर जाते हैं तो।
फिर वहाँ दर्शन करके हम फटाफट से निकल चुके थे। नीचे का मंदिर है चामुंडा माता का, और नीचे दो मंदिर है, पुराना भी और ये नया मंदिर है। और फिर हम वहाँ से तुरंत ही निकल चुके थे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम हमारे घर पे आ चुके हैं, आज है 17 मई। सोच रहे हैं कि मैं रात के 11 बजे क्यों ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि जो जो शॉपिंग मैंने की है वो आपके साथ मुझे शेयर करना है। जब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करती तब तक शायद मुझे रात को नींद ही नहीं आती। ऐसा होता कि कब सुबह जल्दी हो जाए और कब मैं आपके सामने में क्या क्या मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या नहीं की लिया है, वो सब कुछ आपको दिखाऊँ। इसलिए मैंने सोचा चलो रात के 11 बजे तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, आराम से मैं व्लॉग कर सकती हूँ रात के 11 बजे भी। तो मैंने इसलिए अभी अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। और फिर हम सुबह 9:30 बजे तो मोरबी से निकल चुके थे, फिर बीच में माटेल में भी हमने दर्शन किया और चोटीला में भी दर्शन किया। इसलिए रात को यहाँ शाम को यहाँ 4:30 तक हम दौड़गा में पहुँच चुके थे। और फिर आपको तो पता है कि 4-5 दिन तक अगर घर बंद हो तो उसमें कितना डर्टी हो जाता है घर। तो पूरा घर हमने क्लीन किया, और फिर ऐसे मुझे टाइम नहीं था तो मुझे अभी अभी टाइम मिला है, क्योंकि दूसरा व्लॉग था उसकी भी एडिटिंग करनी थी। और एक व्लॉग मैंने बनाया था जो यहाँ से हम धोलका से मोरबी के लिए गए निकले थे, उसका व्लॉग हमने बनाया था, पर उसमें क्या हुआ कि जो दूसरा ऐप से उसमें वो व्लॉग एडिटिंग ही नहीं हुआ, एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ। इसलिए फिर वो व्लॉग मैंने ऐसे सेंड नहीं किया। पर वहाँ मोरबी से हम जो राजकोट गए थे वो व्लॉग तो मेरा आ चुका है आपके पास। फिर सोचा चलो आज का व्लॉग मैं बना देती हूँ। इसलिए चलिए तो मैंने क्या क्या वहाँ पे शॉपिंग की है सब कुछ आपको दिखाती हूँ, और मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एडजस्ट कर लीजिएगा कि मेरा व्लॉग ऐसे लंबा हो गया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा व्लॉग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो है हीजिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ फटाफट से कि वहाँ से मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या शॉपिंग नहीं की है। जो नहीं की है वो तो मैं दिखाऊँगी ही नहीं, जो की है वो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं शॉपिंग की है, तो चलिए जाते हैं वहाँ पे। तो चलिए आ जाइए। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है, पूरी बैग भरी हुई है। जो जो कुछ मैं वहाँ से लाई थी वो सब कुछ मैंने साइड में रख दिया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है, बहुत सारा सामान खरीदा है। तो चलिए मैं आप Thank you.
साथ एक फ्री मिल रहा था इसलिए मैंने खरीदा है। और thank you।
ये चपरा उठ गया।
हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मेरे ये टॉप भी अच्छे लगे हो तो भी मुझे कमेंट में बताना। और तो ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, बहुत देर तक मैं ये ब्लॉग किया है तो सारे बच्चे सो गए, जान से तो ऑलरेडी जल्दी से सो ही जाते हैं, तो उसको लेकर मुझे जाना पड़ेगा एकदम ऊपर टेरेस पे, हम सोते हैं तो फिर वहाँ जाएंगे। और दो पैकेट आम के रह गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर चले, तो मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे जरूर से सपोर्ट कीजिएगा। फिर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे आपको जैसा भी लगे वैसा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो भी मुझे कमेंट जरूर करना। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दो मैंगो की बॉक्स लिए, वो भी तो वो भी मैंने वहाँ से लिए हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो मैंने ये दो मैंगो बॉक्स लिए हैं, एक एक बॉक्स में 9 kg आम आते हैं और एक दूसरा बॉक्स ये है, ये मुझे 500 रुपये में एक बॉक्स पड़ा है। और हमारे यहाँ एक बॉक्स 800 या 900 रुपये में, 1000 रुपये में मिलता है। तो फिर मैं दो बॉक्स वहाँ से ले आई, तो ये मैंने दो बॉक्स वहाँ से लिया मैंगो बॉक्स। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अभी बज रहे हैं 12:12 में 10 मिनट बाकी हैं।